सुंदरवन का सफाई अभियान शुरू हुआ है, कब तक चलेगा? ये तो बहुत पहले से हो चुका था, पेंडिंग पड़ा हुआ था। अब हमको हमारे पूरे हो गए, टीम मिली हुई है। बाबा जी की थीम है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश, पर्यटक और पक्षी विहार लाने का पूरा पूरा प्रयास। एक प्रयास किया है और साथ इसका जीता जागता उदाहरण आपने आज देखा होगा कि हजारों हजारों की संख्या में सारे लोग किस तरीके से यहाँ का जन सैलाब उमड़ा था। लगता था कि वाकई कोई रामनवमी का मेला यहाँ आके उतरा है, साक्षात देवता का आगमन हुआ है। निश्चित ही यह मंदिर पूजने योग्य बन जाएगा। दरवन झील उत्तर प्रदेश के पर्यटक के स्थल पर, भारत के पर्यटन के स्थल पर, पक्षी विहार के उस पर सब जगह अपने देदीप्यमान इस ख्याति को बिखेरती रहेगी। किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी जो कि प्रत्येक विधानसभा में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। और यह कार्यक्रम हम उन बगैर राजनीतिक युवा लोगों को जागरूक करने के लिए, उनसे वार्ता करने के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी की जो G20 का कार्यक्रम अभी हाल में दिल्ली में और लखनऊ में जो हुआ है उसी के संदर्भ में यह बैठक की जा रही है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के प्रति जो काम कर रहे हैं, युवा ही इस देश को चलाने के लिए सक्षम है और उनके कुछ सरकार की रूपरेखा है जो मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहूँगा। नंबर एक में भविष्य के कार्य 0.4.0 नवचर यानी इनोवेशन और 21वीं सदी में कौशल। दूसरा शांति निर्माण और सुलह, युद्ध रहित युग का निर्माण। तीसरा जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम में कमी, स्थिरता को जीवन का एक नया तरीका बनाना। चौथा साझा भविष्य लोकतंत्र और शासन में युवा। पांचवा है स्वास्थ्य कल्याण एवं खेल युवाओं के लिए एजेंडा में ये मुख्य विषय रहेंगे। आपने बताया कि युवा के लिए बहुत कुछ है, जबकि आप नगर निकाय का चुनाव आ रहा है तो युवा इसमें क्या सहयोग करेगी भारतीय जनता पार्टी को? देखिए युवा ही युवा मोर्चा लगातार, चाहे वो 14 का चुनाव हो, चाहे 17 का चुनाव हो, चाहे 19 का चुनाव हो, चाहे 22 का चुनाव हो, लगातार युवा का ही पूरा क्या नाम है रहता है, पूरी निष्ठा के साथ युवा कार्यकर्ता अपना। निकाय चुनाव बहुत दिन नहीं बाकी है, जानना चाहेंगे कैसे चुनाव जीतेगी भारतीय जनता? नगर निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हम हमेशा जीतते आए हुए हैं और हम अपना परचम लहराएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किसान मोर्चा है, सभी लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। हमारा